आप सभी सुंदर साथ को मेरा प्रेम प्रणाम। अभी थोड़ी देर पहले स्वामी जी ने कितने प्रबुद्ध वचन कहे, कितनी सटीक बात कही कि यों तो पूरी ब्रह्मवाणी की 18,758 चौपाइयां ऐसी हैं जो गागर में सागर लिए बैठी हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें पूरे अध्यात्म का संदेश छिपा होता है। रह वे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबहू न दुखावे खिन। यदि इस एक चौपाई को भी सुंदर साथ अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो मुझे लगता है कि जिस लक्ष्य की बात ब्रह्मवाणी में कही गई है उसको प्राप्त करने में क्षण भर की भी देरी नहीं लगेगी। किरंतन में एक बात आती है, मानव देह अखंड पल पाइये, सो पाए के क्यों वृथा गमाइये, ए तो अदखिन को अवसर, सो भी गवावत मांझ नीतर। इसका अर्थ तो आप सब जानते हैं, आपने कई बार सुना भी है, आपने पढ़ा भी है। भारतीय संस्कृति हिंदू मान्यता में यह माना भी जाता है कि 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य इन 84 लाख योनियों में घूमता है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद एक दिन उसे मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। जब मनुष्य जीवन मिलता है तो ये उसके लिए एक मौका है कि 84 लाख योनियां एक वर्तुल की तरह है, जैसे कुम्हार का चक्र चलता है उसी प्रकार जीवन और मरण का ये चक्र चलता है, और मनुष्य जीवन उस चक्र की सबसे ऊपरी परिधि का हिस्सा है जहां मनुष्य के पास एक मौका होता है कि इस चक्र से बाहर निकल जाओ, इस जन्म और मरण की परिधि से परे हो जाओ। आज से 50-100 साल पहले जब 84 लाख योनियों की बात कही जाती थी तो पूर्व के वैज्ञानिक बहुत मजाक बनाते थे, लेकिन आज विज्ञान ने भी जितनी योनियों को खोजा है, पशु पक्षी छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरियाज को खोजा है, विज्ञान भी ये मानता है कि कम से कम कुछ 82-83 लाख योनियां तो हैं। धीरे धीरे वो संख्या 84 तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन एक बात को हमें स्मरण रखना चाहिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मनुष्य को अन्य योनियों से विभिन्न बनाती है, उसे विशिष्ट बनाती है, वो है विवेक। अन्य किसी प्राणी के पास विवेक नहीं है। मनुष्य जीवन में मनुष्य को, प्राणी को विवेक मिलता है। उसके पास ये समझ आती है, उसके पास ये विचार आता है, वो सोचता है, वो संसार को देखता है तो उसके मन में कुछ प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों। पूर्व के जितने भी वैचारिक हुए, जितने भी फिलोसफर हुए, यहां पर एक बात बहुत दृढ़ रूप से मानी जाती है। एक कथन है, कोगिटो अर्गो सम, ड्यूबिटो कोगिटो अर्गो सम। इसका मतलब क्या है कि मैं सोचता हूं, मैं संदेह करता हूं, मैं विचार करता हूं, इसका मतलब मेरा अस्तित्व है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उपनिषद में कहा गया है, धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुन समानम एतत् पशुभिः नराणाम, धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही नः पशुभिः समाना। कि भोजन निद्रा, संसार में अपना घर बनाना और वंश वृद्धि करना, ये तो संसार के सभी प्राणियों में समान रूप से पाया जाता है, पशु पक्षियों में भी पाया जाता है, लेकिन धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही नः पशुभिः समाना। लेकिन ये जो धर्म है, ये जो सत्य है, ये जो विचार है, ये जो विवेक है, ये एक ऐसी उपलब्धि है जो मनुष्य को प्राप्त होती है, और यदि वो इसको नहीं जान पाता तो उसके जीवन में और एक पशु के जीवन में कोई भी अंतर नहीं। मनुष्य सोचता है, उसके मन में ये विचार आता है कि ऐसा क्या, ऐसा क्यों,
ये संसार किस लिए है? मनुष्य जीवन की महिमा हर शास्त्र में गाई है, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मनुष्य जीवन मिलना भी कोई बहुत बड़ा सौभाग्य नहीं है। इस संसार में 9 बिलियन की जनसंख्या है, 9 बिलियन की पॉपुलेशन है। आप देखिए, संसार की 80% से ज़्यादा आबादी हर रोज सुबह उठती है, काम पर जाती है, शाम को थके मांदे घर लौटती है। सबका एक छोटा सा घर परिवार है, घर की जिम्मेवारियां हैं। व्यक्ति जन्म लेता है, किशोर अवस्था को प्राप्त होता है, विवाह होता है, प्रौढ़ अवस्था आती है, वृद्ध अवस्था आती है और एक दिन संसार को छोड़ करके चला जाता है। यदि देखा जाए तो उसने जीवन में क्या उपलब्धि प्राप्त की? इस संसार को बने इतना समय हो गया, इतनी पीढ़ियां, इतनी सभ्यताएं इस संसार से गुजर गई। रोम की सभ्यता की जब खुदाई हुई तो उसमें सड़कों की 7 परतें मिली। आप सोचिए, रोम जैसे महानगर भी 7 बार बसे और 7 बार उजड़े। मनुष्य जीवन की महिमा को हम गा तो रहे हैं, लेकिन कई बार यह प्रश्न उठता है कि यदि इसी परिपाटी पर मनुष्य चलता है, यदि इसी रेखा पर हम चलते हैं, तो फिर मनुष्य जीवन की गरिमा भी क्या गरिमा रही? हमने पाकर के भी सब समाप्त कर दिया, लेकिन किसी किसी के मन में प्रश्न उठता है, किसी किसी के मन में ये विचार आता है कि आखिर मैं कौन हूं? चाइना के अंदर एक बहुत बड़े विचारक हुए जिनका नाम था जुआंगजी। एक दिन जुआंगजी रात को सपना देखता है और उसको सपने में लगता है कि तू तितली बन गया है, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को देखता है और उसको लगता है कि मैं तो ये शरीर हूं, मैं तो जुआंगजी। और ये बात उसके मन में इस प्रकार घर कर जाती है कि वो दिन रात यही सोचता रहता है कि वास्तविकता क्या है, कि क्या मैं जुआंगजी हूं जो तितली का सपना देख रहा हूं, कि क्या मेरा स्वरूप वास्तव में एक तितली का है जो एक जुआंगजी का सपना देख रही। ये बात कहने में बहुत सरल है, लेकिन मुझे लगता है कि जब किसी के मन में ये विचार उठता है, जब किसी के मन में ये संदेह उठने लगता है, जब किसी के मन में इस प्रकार का प्रश्न उठने लगता है, जब वो अपने अस्तित्व पर प्रश्न उठाता है, जब वो इस संसार के अस्तित्व पर प्रश्न उठाता है, तो आप ये समझिए कि यदि मनुष्य जीवन सोना है तो इस प्रकार का प्रश्न उठना उस सोने में सुगंधि के समान। Who am I? मैं कौन हूं? निजानंद की सारी विचारधारा केवल इसी प्रश्न पर केंद्रित है कि मैं कौन, कहां से आई या कौन मेरो भरता। यही वो अनादि प्रश्न था जो देवचंद्र जी के मन में पैदा हुआ और उसी प्रश्न की खोज में अखंड बेहद का वो दरवाजा खुला जिससे इस संसार को अखंड का रस प्राप्त हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संसार के साधारण प्राणियों के मन में ये विचार कभी नहीं जागता। जो एक रूपरेखा, जो एक परिपाटी चली आती है, हर कोई उस पर चलता है। कोई कोई ऐसा सौभाग्यशाली होता है, और मैं तो ये मानता हूं कि जब जन्मों जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं, जब विधाता की मेहर होती है, तब व्यक्ति के मन में ये विचार आता है कि अब मैं अपने स्वरूप को जानूं, अब मैं इस संसार के चलाने वाले को जानूं जो इस संसार का कर्ता है, जो इस संसार का विधर्ता है। उपनिषद में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि न अयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुता श्रुतेन, कि परमात्मा बार ऊंचे ऊंचे प्रवचन करने या सुनने से प्राप्त नहीं होता, न मेधया ना ही अपनी बुद्धि को प्रखर कर अनेक शास्त्रों का अध्ययन प्राप्त करने से प्राप्त होता है, न बहुना श्रुतेन और ना ही अनेक प्रकार के चर्चा या अनेक प्रकार के प्रवचनों को केवल सुनने मात्र से प्राप्त होता है। यम एष वृणुते तेन तनु श्याम, यहां एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि ये परमात्मा जिसको चुन लेता है, यम एष वृणुते
तेन तनो श्याम उसके सामने अपना हृदय खोल करके रख देता है। लेकिन परमात्मा को चुनाव जो है वो कभी भी अनायास नहीं होता। परमात्मा की ये सत्ता न्यायपूर्ण है, न्यायकारी है। जब जब किसी के पुण्य कर्म संचित होते हैं, जब जब किसी के जीवन में सौभाग्य की घड़ियां आती हैं, मुझे लगता है कि परमात्मा की यही अनूठी मेहर उसके ऊपर बरसती है कि उसके हृदय में परमात्मा यह विचार डालता है कि अब तुम सोचो कि तुम कौन हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, किसने इस असंख्य सृष्टि को धारण किया है। सूरज अपने निश्चित समय पर उगता है, चंद्रमा निश्चित समय पर उगता है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सूरज सौर मंडल में अपने केंद्र पर घूम रहा है, ये असंख्य आकाश गंगाएं, ये असंख्य निहारिकाएं, 10 लाख से ज्यादा पृथ्वियां ऐसी हैं जिन पर मनुष्य जीवन संभव है। इस हमारी आकाश गंगा में 25 लाख से ज्यादा पृथ्वियां हैं जो इसी प्रकार हैं। उसके मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था को सुचारू रूप से कौन चला रहा है। या के आस पास अटकाव नहीं तुम जाग के संशय भान, कौन है जिसने किसी आधार के बिना इस संपूर्ण लोकांतरों को आकाश में स्थापित कर दिया। जिस जिसके मन में यह प्रश्न उठता है, यह प्रश्न एक नींव बनता है। यही प्रश्न उठा गौतम बुद्ध के हृदय में, यही प्रश्न उठा महावीर के हृदय में, यही प्रश्न उठा देवचंद्र जी के हृदय में, और यही प्रश्न अंततोगत्वा उन्हें सत्य के उस मार्ग पर लेकर के गया जब उन्होंने उस अमृत को पाया, रस को पाया। आज आप सभी सुंदर साथ इस जूम गोष्ठी के माध्यम से चर्चा को सुन रहे हैं। आप सोचिए, रविवार का दिन है, कितने हजारों सुंदर साथ हैं, सबको लगता है कि छुट्टी का दिन है, क्यों ना घर परिवार अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। आज भी इतना जल्दी उठ करके क्या करना, आराम से उठेंगे, कुछ घर की जिम्मेवारियां हैं उनको निभाएं, सगे संबंधियों से मिल लें, आपस में एक दूसरे से बात कर लें। लेकिन आपके मन में ये विचार है कि क्यों ना मैं इस समय का लाभ लूं, क्यों ना मैं कुछ सत्य की बात सुनूं, क्यों ना मैं कुछ सत्य के और अधिक समीप जाऊं। मैं सुंदर साथ को देखता हूं, कुछ सुंदर साथ भारत से जुड़ते हैं, कनाडा से जुड़ते हैं, अमेरिका में रात्रि का समय होता है, कई बार अमेरिका के सुंदर साथ रात्रि को 2 बजे भी उठ करके जुड़े होते हैं। कई सुंदर साथ ऐसे होते हैं जिनकी आंखें बंद हैं, वो बस सुन रहे हैं कि कहीं हमारी तार न टूटे। किसी किसी सुंदर साथ की आंखों से अश्रु भी बहते हैं। आप ये जानिए कि ये अक्षरातीत पर ब्रह्म की आप पर बहुत बड़ी मेहर है कि जहां हर कोई माया में डूबना चाहता है, हर किसी को लगता है कि कल कर लेंगे, कल सुन लेंगे, कल कुछ ध्यान कर लेंगे, कल कुछ मनन कर लेंगे, लेकिन आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंची है कि आपको लगता है आज नहीं तो फिर कब। आप अपने घर को छोड़ करके, घर के जिम्मेवारियों को छोड़ करके यहां पर बैठते हैं, आपको लगता है कि बहुत समय बीत गया, क्यों ना मैं अब इस समय से कुछ बनाऊं, क्यों ना मैं इस समय से कुछ रस निकालूं, क्यों ना मैं कुछ प्रबुद्ध बातों को सुनूं, क्यों ना मैं ब्रह्मवाणी के रस को सुनूं, रसा स्वादन करूं। मैं सुंदर साथ से बार बार यही कहता हूं कि आप इस बात को सदैव स्मरण रखिए, अक्षरातीत को हमने मेहर का सागर कहा है, कृपा सिंधु कहा है, कृपा सिंधु। कृपा सिंधु का मतलब क्या है कि जो मेहर का सागर है, जो करुणा का सागर है, जो प्रेम का सागर है, जो केवल लुटाना जानता है, ओशियन ऑफ लव, ओशियन ऑफ मर्सी। आप एक बात को सदैव स्मरण रखिए कि जिसने आज ये प्रश्न हमारे हृदय में डाले, एक दिन वो उन प्रश्नों का उत्तर भी हमारे हृदय में डाले। आज जो आपको पीछे से धक्का दे रहा है कि इसको पढ़ो, इसको समझो, इसको सुनो, इसको गुनो, इसको बुनो, एक दिन वो अमृत की रसधार बनकर आपके हृदय में प्रवाहित भी होगा। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य ये है कि जब जब ये प्रश्न हमारे हृदय में उठे कि मैं कौन हूं, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, हम इन प्रश्नों को और अधिक प्रगाढ़ बनाएं।
हम इसे वैराग्य की अग्नि पर और अधिक तपने दें, हम इसे अपने हृदय की उत्कंठा बनाएं। प्रकाश हिंदुस्तानी में एक बहुत सुंदर चौपाई कही गई है, इंद्रावती जी कहती हैं कि जर्रा जर्रा मेरे जीभ का बिरहा तेरा कर, कि मेरे शरीर का एक एक रोम पुकार रहा है कि अब तो आप आइए। आप सोचिए इससे बड़ी करुणामयी पुकार क्या हो सकती है, कि हम तो दिन में 5 मिनट याद करें, 10 मिनट याद करें, इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे जीव का रोया रोया पुकार रहा है, जर्रा जर्रा मेरे जीव का बिरहा तेरा कर। चरण लेओ इंद्रावती पहले जगाए के, ये प्रश्न जब हमारे हृदय में आए, जब कुछ भाव हमारे हृदय में उमड़े, जब वाणी को पढ़ने की बात, इस जान को और अधिक सुनने की बात हमारे मन में आए, आप उसको रोकिए मत। जिस प्रकार अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो उसे हवा का झोंका दिया जाता है कि वो और अधिक प्रज्वलित हो, आप अपने इन प्रश्नों को और अधिक प्रगाढ़ बनाइए, कि आपके हृदय की उत्कंठा बने। आप इन बातों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार सुनिए। जब भी आपको मौका मिले, अपने कान नहीं सुनने वाले को अपना हृदय दीजिए। वाणी को पढ़ने का सबसे अच्छा माध्यम यही है कि हम इंद्रावती जी को, श्री जी को अपनी आंखें ना दें, अपने कान ना दें, अपना हृदय दें। यदि आप किसी को अपने कान देते हैं, यदि आप किसी की बातों को अपने कानों से सुनते हैं, तो वो जो वचनों में कह रहा है वो आप सुन लेंगे। लेकिन यदि आपने सुनने वाले को अपना हृदय दे दिया, यदि आपने कहने वाले को अपना हृदय दे दिया, तो उन कथनों के पीछे जो भाव छिपा है, आप उस भाव को भी छू लें। हम इन प्रश्नों को और अधिक गहरा बनाएं, हम इन प्रश्नों को और अधिक प्रगाढ़ बनाएं। ज्ञान रूप से तो इनका उत्तर हम सबके पास है। किसी से भी पूछिए कि मैं कौन, कहां से आई, हम सब जानते हैं कि हम परम धाम से आए हैं, परम धाम की वासना है। लेकिन हम यहां पर रुके नहीं। संसार में हमें हर कोई मिलेगा इन प्रश्नों के सरल साधारण से उत्तर पकड़ा देगा। आप जिससे तारतम लेंगे, आप सुंदर साथ में आपस में बैठ करके बात करेंगे, सुंदर साथ भी कहेंगे कि तुम परम धाम से आए हो, अब इस तप त्याग की क्या आवश्यकता है। जैसे देवचंद्र जी की माता ने देवचंद्र जी से कहा था कि तू क्या सोचता है, तुम मेरा पुत्र है, मैं तेरी माता हूं, यही तो तेरा परिचय है। लेकिन देवचंद्र जी जानते हैं कि नहीं, यह मेरा परिचय नहीं। उसी प्रकार हम सदैव इस बात को स्मरण रखें कि भले ही मुझे ज्ञान रूप से पता है, लेकिन मेरी अंतरात्मा में सदैव ये पुकार उठे कि पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। यदि इस शरीर को रहते रहते मैं उसको पालूं, तभी मैं वास्तविक रूप से सुहागिन होने का दावा कर सकती। देवचंद्र जी जब कच्छ में जाते हैं, देवचंद्र जी कच्छ के मंदिर के पुजारी से पूछते हैं कि परमात्मा की खोज में आया हूं, मुझे परमात्मा का दर्शन कराइए। पुजारी कहता है कि ये तो मंदिर है, यहां सामने परमात्मा बैठा है, इधर उधर जाने की क्या आवश्यकता है। हमें भी इस प्रकार का उत्तर मिलता है कि सामने राज्य का स्वरूप रखा तो है, अब फिर ध्यान चितवनी की क्या आवश्यकता है, इधर उधर क्या जाना। लेकिन हमारे मन में सदैव ये बात रहे कि नैना ने तरसे वाला जी ने रखवा, कि हे प्रियतम मेरी आंखें तरसती हैं आपके दीदार के लिए। वाचा तरसे वाला जी नु वातड़ी, कि मेरी जिभा तरसती है कि कब आप मेरे सामने हो और मैं आपसे बातें करूं। श्रवणा तरसे वाणी मीठी रसाल, मेरे कान तरसते हैं कि किस दिन आप मेरे सामने आए और मैं आपके मधुर वचनों को सुनूं। जानू कदू काढ़ू हृदयान उछाल, इंद्रावती जी कहती है कि मैं अपने हृदय में एक समंदर लेकर के बैठी हूं, मुझे इतनी बातें आपसे करनी है, अपने हृदय का दुख बांटना है आपसे, आप कब मेरे सामने आओगे, मेरा जीवन केवल और केवल आपकी प्रतीक्षा है। ये अध्यात्म के उन गहरे रहस्य, जिन गहरे रहस्यों पर जिसने भी चिंतन किया, विचार किया, एक ना एक दिन उसकी चेतना उस सत्य मार्ग पर पड़ती जाती है जिसका अंत केवल और केवल परमात्मा का साक्षात्कार होता है।
मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सभी सुंदर साथ इस मनुष्य जीवन की कीमत को समझें। ए तो अदखिन को अवसर सो भी गवावत मांझ नींदर। बहुत क्षण भर का समय है, हमें लगता है कि अभी तो बहुत लंबा समय है, लेकिन आप देखेंगे कि कब मृत्यु दरवाजे पर आकर के खड़ी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही वो धरा थी जिस पर एक समय देवचंद्र जी के तन से लीला हुई, यही वो धरा थी एक समय सृजी के तन से लीला हुई। मैं कई बार याद करता हूं, मेरा हृदय भर आता है कि बुंदेलखंड की वो धरती कितनी महान रही। बुंदेलखंड में पन्ना की वो धरती, पन्ना के पहाड़, पन्ना के वृक्ष, उन्होंने वो सौभाग्यमय क्षण देखा जिस पर हजारों की संख्या में ब्रह्म मुनि एकत्रित हुए। हर रोज श्री जी परम धाम की चर्चा सुनाते हैं, परम धाम का रस बहता है। लालदास जी चौपाइयों में लिखते हैं बीतक कि कोई रस सागर रिलत, कि जब श्री जी चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई रस का सागर है जो हर किसी को समेटना चाहता है अपने अंदर। सैया की रूप भी वही, और कुछ ऐसे सुंदर साथ हैं जो बस उसको पीने में मग्न है। सैया की रूप भी वही, बढ़त जात ईमान, दिन प्रतिदिन उनका ईमान बढ़ता जाता है। उनके हृदय में प्रेम की सुगंधि बढ़ती जाती है, उनके हृदय में अलौकिक प्रकाश बढ़ता जाता है। उसके बाद परमहंसों का भी समय आया, अलग अलग परमहंसों के तनों से जागनी हुई। आज एक समय है जो हम भी देख रहे हैं, ये समय भी बीत जाएगा, लेकिन हमसे पहले जिन्होंने जितने भी परमहंस हुए या जितने भी ब्रह्म मुनि हुए, उन्होंने मृत्यु से पहले अमृत को जान लिया। इससे पहले कि मृत्यु उनके दरवाजे पर दस्तक देती, उन्होंने प्रियतम परब्रह्म को अपने हृदय में बसा लिया। इससे पहले कि उनके आंखों के आगे ये संसार अंधकार में बदल जाता, उन्होंने अपने हृदय में सत्य ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित कर लिया। इससे पहले कि उनका ये शरीर चिर निद्रा में सो जाए, उनकी आत्मा परमधाम के उन सागरों में, उस रस में अपने आप को डुबा लिया, और उन्होंने उस सत्य की, उस रस की और उस आनंद की अनुभूति करी। पल पल हमें ये भान रहे कि एक दिन मुझे भी संसार से जाना है। ये जो मुझे समय मिला है, ये समय, ये जो मुझे जीवन मिला है, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत मैं चुका करके आया। जन्मों जन्मों की साधनाएं हैं, जन्मों जन्मों के प्रयास थे, कि मानो जन्मों जन्मों तक मैंने मांगा था परमात्मा से, आज वो सब सफल हुआ। आज नियति ने मुझे वो मौका दिया है, आज मेरा सौभाग्य मेरे घर पर आया है कि मुझे सत्यवाणी मिली, मुझे जीवन का ये जो सत्मार्ग मिला। और सबसे बड़ी बात क्या है जो मैं सभी सुंदर साथ से कहता हूं कि हमारे हृदय में प्यास जगी है। जिसने आज प्यास जगाई है, एक दिन वो स्वयं अपने हाथ से इसे प्यास को बुझाएगा भी सही। जीसस एक गांव में एक पनघट पर जाते थे, पनघट पर पनिहारिन पानी भरती थी। जीसस ने कहा कि मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। एक पनिहारिन जीसस को पानी पिलाती है। चलते चलते जीसस एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि तुम्हारे पनघट पर आना तो एक बहाना है, मैं तुम्हारे पनघट पर आया हूं तुम्हें आमंत्रण देने के लिए कि एक दिन तुम मेरे पनघट पर आओ, ताकि मैं जन्मों जन्मों से जो तुम्हारी अतृप्त वासना है, जन्मों जन्मों से जो अतृप्त आत्मा है, मेरे पास ऐसा रस है, मेरे पास ऐसा अमृत का सरोवर है, मैं तुम सबको तृप्त कर दूं। दुल्हे ने दिल हाल दे, खेच लिए दिल सारे। इंद्रावती जी कहती हैं कि प्रीतम पर ब्रह्म ने अपना सब कुछ परमधाम की आत्माओं के लिए खोल करके रख दिया। परमधाम के आठों सागरों की शोभा प्रीतम की मेहर के रूप में सबके हृदय पर बरस रही है, लेकिन हम इस संसार में हंसी के पात्र न बने। ये जो मौका हमें मिला है, हम उसका एक एक क्षण का लाभ उठाएं
इत खिन का जो है लटका, भावे जीत चलो या हार, ये क्षण भर की बाजी है, हमारे ऊपर निर्भर है। ये जीवन एक खुली किताब है, हम सभी ने अपना एक अध्याय लिखना है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी कहानी बिहारी जी या पाल भाई के जैसा लिखना चाहते हैं, या आप अपनी कहानी को लालदास जी, महाराजा छत्रसाल, श्री जी मेहराज ठाकुर, फूल भाई या आस भाई की तरह लिखना चाहते। बिहारी जी की कथा की तरह लिखोगे, उसमें ईर्ष्या होगी, उसमें द्वेष होगा, उसमें घृणा होगी, उसमें वैमनस्य होगा। लेकिन यदि आप अपनी कहानी को लालदास जी की तरह लिखना चाहते हैं, उसमें प्रेम होगा, उसमें समर्पण होगा, उसमें त्याग होगा, उसमें कुछ सुगंधी होगी। तो इस क्षण भर के जीवन की कीमत को हम समझें, अपने जीवन को सत्य मार्ग पर लेकर के जाएं, और जैसा स्वामी जी ने कहा कि हर रोज हमारे यहाँ ये संकल्प हो कि हे प्रीतम परब्रह्म, हमें केवल आपसे आस है, आप हमारे हृदय में आइए, आप हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश दीजिए, आप हमारे हृदय में प्रेम का रस बरसाइए। यदि हमारी मांग सच्ची होगी, यदि हम अपनी सच्चे हृदय से अक्षरातीत से मांगेंगे। खिलवत में एक बहुत सुंदर बात कही है, मैं बार बार कहता हूँ, खिलवत की चौपाई कहती है कि कोई खाली न गया इन खिलवते, कछु लिया हक का भेद। विज्ञान भी ये मांगता है कि जब भी आप कुछ भी बोलते हैं या कोई भी विचार करते हैं, उस विचार, उस ध्वनि की तरंग इस ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक जाती है। तो यदि हमने अपने आत्मा के हृदय से, अपनी सच्ची भावना से प्रीतम परब्रह्म से कुछ भी मांगा होगा, तो धाम धनी उसे अवश्य सुनेंगे। हम प्रीतम से यही मांगे कि आप हमें अपना प्रेम दीजिए, आप हमें सत्य मार्ग दिखाइए, आप हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश कीजिए। तो मुझे लगता है कि एक ना एक दिन हमारे हृदय में वही रसधारा बहेगी जो आज से पहले हमारे परमहंसों के हृदय में बही। आज से पहले जिन परमहंसों ने सत्य का साक्षात्कार किया, हमारे जीवन में वो भी वो घड़ी आएगी। मेरी यही शुभकामना सभी सुंदर साथ के लिए है कि हम सभी सुंदर साथ धर्म के इस मार्ग पर आगे बढ़ें, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखें, वाणी के इन कथनों को अपने जीवन में उतारें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार हम इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हम विफल हों, मनुष्य जीवन है, कोई भी पूर्ण नहीं है, विफलता होगी, लेकिन हम धैर्य रखें, हम एक बात का स्मरण रखें कि मैं अबला अर्धांग हूँ पीयू की सुहागिन नार, कि हम अक्षरातीत पर ब्रह्म की अर्धांगनी है। और यदि मेरा संकल्प सच्चा है, यदि मेरी पुकार सच्ची है, तो एक ना एक दिन मुझे मेरी पुकार का उत्तर भी मिलेगा। और जो मासुक सेजना आईया, देखिया सुनिया न कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। हम इसे सदैव स्मरण रखें कि यदि इस जीवन को जीते जी मेरे हृदय में धाम धनी अक्षरातीत की बैठक न लगी, यदि मैंने उनसे कुछ मीठे वचन न किए, और यदि मेरे हृदय में प्रेम की वरस धारा न बही, तो निर्फल गई जो रात। तो ये समय जो मुझे मिला वो मानो मैंने निर्फल ही गुजार दिया। मैं यही आशा करता हूँ। अब इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत पर ब्रह्म को मेरा अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।